भाई बहन के पवित्र त्योहार रक्षाबंधन के पर्व पर देश की सरहदों पर तैनात सैनिकों की कलाइयों पर इस बार भी हिमाचल डिफेंस वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा भेजी गई राखियां सजेंगी। ये जानकारी हिमाचल डिफेंस वेलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्ष आशा ठाकुर ने दी। उन्होंने कहा कि इस बार देश की सीमाओं पर 5,000 राखियां भेजी जा रही है। हिमाचल डिफेंस वेलफेयर एसोसिएशन की सदस्यों द्वारा भेजी गई राखियां सरहद पर तैनात सैनिकों की कलाइयों पर सजेंगी। हर वर्ष की भांति इस बार भी हिमाचल डिफेंस वेलफेयर एसोसिएशन की सदस्यों द्वारा सरहदों पर तैनात सैनिकों के लिए अपने हाथों से बनाई राखियां भेजी हैं। वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों का कहना है कि भाई बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक ये राखियां सरहदों पर तैनात सैनिकों का मनोबल बढ़ाती हैं, इसलिए हिमाचल डिफेंस वेलफेयर एसोसिएशन पिछले कई वर्षों से रक्षाबंधन पर सरहदों के लिए राखियां भेजती हैं। हिमाचल डिफेंस वेलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्ष आशा ठाकुर ने बताया कि इस बार 5,000 राखियां जम्मू कश्मीर पर ले सहित देश की सीमाओं पर तैनात सैनिकों के लिए भेजी जा रही हैं। आशा ठाकुर ने देश की सीमाओं पर तैनात सैनिकों की दीर्घायु की कामना की है और उन्हें रक्षाबंधन की बधाई दी है। इस अवसर पर रीता ठाकुर तथा उषा शर्मा सहित हिमाचल डिफेंस वेलफेयर एसोसिएशन की कई सदस्य मौजूद रही। मैं हिमाचल डिफेंस वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्ष आशा ठाकुर और मेरी सहयोगी मेंबर्स रीता ठाकुर और उषा शर्मा, आज हमने बॉर्डर पर तैनात सैनिकों के लिए अपने हाथ से बनाई गई राखियां भेजी और कुछ रेडीमेड राखियां भी हमने उसमें साथ में डालकर भेजी। हर साल जो है हिमाचल डिफेंस वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन अपने हाथों से बनाकर तिरंगे कलर की राखियां बॉर्डर पर सैनिकों को भेजती आ रही हैं। इस बार कोरोना को देखते हुए हमने कुछ राखियां रेडीमेड की खरीद करके बाजार से सैनिकों को भेजी, क्योंकि कोरोना को लेकर के फौजियों को इस बार राखियां पहुंचना बड़ा मुश्किल है, तो हमने इसे ट्रांजिट कैंप और एनसीसी के माध्यम एनसीसी 2SP बटालियन के माध्यम से इनको भेजना है और डीसी के माध्यम से इसे हमें आगे ट्रांजिट कैंप के माध्यम से इसको भेजना है। लगभग कितनी राखियां हैं और कहां कहां भेज रहे हैं? ये इस बार हम 5,000 राखियां भेज रहे हैं, जो सियाचिन ले और J&K, इसी के साथ इंटरनेशनल UNO ए फोर्स जो हमारी यहाँ से 9 डोगरा और 87 आर्मर्ड गई है, उनको भी हम ये राखियां लेबनान में भेज रहे हैं, जो 3 अगस्त तक लेबनान पहुंच जाएंगे। और जो लेबनान हमारी राखियां जा रही हैं वो तिरंगे कलर की ही राखियां, और इस बार जो है फौजी भाई हमारे विदेश में जो अपनी सेवाएं देने गए हैं वो भी इन राखियों को पहनकर रक्षाबंधन मनाएंगे। इसी के साथ हम उन अपने फौजी भाइयों को शुभकामनाएं और बधाई देते हैं रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में, ताकि हमारे इंडियन आर्मी का मनोबल बढ़ा रहे और पूरी ताकत के साथ वो देश की सेवा और सरहदों की सेवा करते रहें। थैंक यू।